Wishing you a very very happy birthday, my Kana ji. मैं कॉफी का मैं थोड़ा सा फेस पैक लगाऊंगी तो थोड़ा सा चेहरे पे और चमक आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो बन गया है बिल्कुल. और मैं फिर देन अप्लाई करूंगी गुलाब जल और मैं अपने फेस को ऐसे छोड़ दूंगी. आप भी अप्लाई जरूर करना. जो घरेलू फेस पैक हैं ये बहुत नेचुरल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. यू कैन ऑल्सो अप्लाई. तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया राधा रानी वाली और आज मैंने बनाया रील्स थोड़ी बहुत सी. तो आप जाके मेरे इंस्टा पे मेरी रील्स देख सकते हो. मैं नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्लैक हार्ट. आज के इस ब्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है. ये मैं सोचना मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ बट सीरियसली बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में हम कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किए थे वो पूरा आपको दिखाने वाले हैं. और सेकेंड थिंग, मैंने अपने फेस का केयर मैं अप्रॉक्स हर संडे को थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ जब मेरा मन होता है. तो वो दिखाने वाले हैं कि अपने फेस पे क्या क्या करो कि थोड़ा सा ग्लो बना रहे घरेलू चीजें यूज करके. वीडियो में आगे बढ़ने को मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं. बना रही हूँ ये प्लेट अच्छी सी प्यारी सी अपने कान्हू जी के लिए जिसमें मैं उनको अच्छे से प्रसाद उनको अच्छे से बैठाऊंगी इस प्लेट में. तो ये मेरे पास चुन्नी पड़ी थी माता जी की जिसको और ये मेरे पास प्लेट पड़ी थी ऑलरेडी. तो मैं इसमें बना रही हूँ एक अच्छी सी प्लेट और आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में कैसा बना. फाइनली प्लेट हो गई मेरी रेडी. ओ सॉरी, ये देखो ये मैंने प्यारी सी बनाई प्लेट. और ये मेरी प्लेट कैसी लगी जरूर बताना. और तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है मेरे कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. भी मैं बहुत अच्छे से अपना मंदिर डेकोरेट करने वाली हूँ. तो अभी ये जन्माष्टमी का सॉरी पहली तैयारी है ना, अच्छी है ना. मेरे को लगी है बहुत तेज भूख और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कहा. मैंने सिर्फ मैक्रोनी और चाय पी थी वही मॉर्निंग टाइम पे. तो आज मेरे पास बहुत सारे काम है और पहले मेरे को लंच फिनिश करना है. तो मेरा लंच है आज देखो दाल राइस आलू की भुजिया उसके साथ लेसुआ का ये ना अचार बहुत टेस्टी लगता है. मैं दिखाता हूँ मेरा फेवरेट अचार लेसुआ का अचार ये पता नहीं कौन सा है यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है. और ये दाल इसके साथ भुजी आज मैं खाने वाला हूँ इतना सारा. और ये मैंने अच्छे से ये देखो मेरी थाली जो मैंने अभी सजाया था. अभी मैं बहुत सारी चीज़ें रखनी है और आज अभी संडे है तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आज मेरे पास टाइम है आज मेरा ऑफ है मैं थोड़ा अच्छे से सजा लेती हूँ. ये देखो हैप्पी बर्थडे का मैंने टैग लगाया ये अच्छे से. ये मेरे राधा रानी मेरे कान्हा जी और ये मैंने अच्छे से थोड़ा सा मैंने सजाया है. अपने फेस को वॉश करके ये अप्लाई किया मुल्तानी मिट्टी जो कि मैं बिल्कुल चुड़ैल और भूत की तरह दिख रही हूँ. करने वाली हूँ फेस स्क्रब. आफ्टर मुल्तानी मिट्टी देख सकते हो मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है. और अब मैं फेस स्क्रब करूंगी एंड देन मैं कॉफी का मैं थोड़ा सा फेस पैक लगाऊंगी तो थोड़ा सा चेहरे पे और चमक आएगा.
सो लेट्स स्टार्ट। लग रहा है ना फेस थोड़ा क्लीन। अब मैं लगाऊंगा कॉफी पैक, मैं ये लगाऊंगा कॉफी का पैक। ये देख सकते हैं मैंने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से कॉफी का पैक अप्लाई किया, ताकि फिर ये 15 से 20 मिनट तक छोड़ने के बाद अब मैं धोने जा रहा। ये देखो आफ्टर ऑल फेस पैक मेरा कितना सुंदर तो नहीं बट गोरा सा फेस तो बन गया है बिल्कुल। और मैं फिर देन अप्लाई करूंगी गुलाब जल और मैं अपने फेस को ऐसे छोड़ दूंगी। आप भी अप्लाई जरूर करना, जो घरेलू फेस पैक हैं ये बहुत नेचुरल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो बहुत दिन हो गए, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत रील बनाने, सो लेट्स गो गाइज। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया राधा रानी वाली और आज मैंने बनाया रील्स थोड़ी बहुत सी, तो आप जाके मेरे इंस्टा पे मेरी रील्स देख सकते हो। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपना इंस्टाग्राम आईडी, इस लवली पांडे है, जाओ और उस पर मेरा रील्स देखो कितनी अच्छी अच्छी मैंने बनाई है, उस पर कॉमेंट्स कर देना अच्छे अच्छे, ओके। एंड फॉलो भी कर लेना एंड मेरा इंस्टाग्राम तो कर ही लेना, यूट्यूब भी मेरा सब्सक्राइब कर लेना। गाइज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ पंचामृत बनाने, जिसमें आपको जरूर दिखाऊंगी पूरा बना के, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, लेट्स ट्राई। आज है जन्माष्टमी और आज मैं फास्ट हूँ और मैंने देखा कि आज पंचामृत बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने ये कच्चा दूध ले लिया, उसके साथ दही है और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें मावा भी है, मेवा भी है, सब कुछ है। और ये मैंने लिया हनी और उसके साथ घी, सारी चीजें डाल के पंचामृत बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं देन ओके, अदरवाइज आपके पास अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो ऐसे कान्हा जी को ढक के रख दो। मैंने उनको सुला दिया कान्हा जी और राधा रानी को, इसके बाद जब 12 बजेंगे रात को फिर मैं उन्हें जगाऊंगी, आरती करूंगी। और ये देखो मेरा पंचामृत बन गया, ये फ्रूट्स केला और उसके साथ ये मैंने खीरा रख दिया था जिसमें से पैदा करना होता कान्हा जी को, और कान्हा जी मेरे सो रहे हैं बहुत आराम से क्योंकि इनको पैदा होना है 12 o'clock। और देखो हैप्पी बर्थडे का मैंने टैग पर लगा दिया, ये पूरा मैंने सजा दिया है कान्हा जी का। और इसके बाद मैंने सोचा मैं क्योंकि मैं व्रत रहूंगी तो 12 बजे मुझे कुछ खाना होगा, तो मैं आलू की कचौड़ी सोच रही हूँ खाने का, वो बनाऊंगी और उसके साथ हलवा भी सूजी का बनाने का सोचा है। सो ये मेरा तैयार हो गया है, सूजी का हलवा और उसके साथ आलू कचौड़ी, ये सारी चीजें मैंने रख दी प्रसाद के रूप में और मैं इसे ढक के कान्हा जी के पास रख दूंगी। फिर 12 o'clock पे मैं हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और ये मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया विद माय कान्हा जी, अपने कान्हा जी अब मेरे जग चुके हैं और उनकी मैंने पूजा कर ली अच्छे से। हैप्पी बर्थडे माय कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बस आप हमेशा साथ रहना और ऐसे ही मेरे दर्शकों के भी साथ रहना कान्हा जी। और मैंने ये सजाया था बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा अपने कान्हा जी के लिए। Now birthday is over. Wishing you a very very happy birthday, my Kanha ji.
सो नाउ माई वीडियो इज ओवर, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाए और आपको ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज देखने को मिले, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।